खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राकेश इन दिनों दुमका में मौजूद हूं और दुमका के सियासी तपिश से आपको लगातार रूबरू करा रहा हूं। इससे पहले आप राजमहल सीट की क्या तपिश है, वहां हमारे जो संवाददाता मौजूद हैं मनोज, वो आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे थे, वहां के लोगों से राजमहल सीट को लेकर बातचीत कर रहे थे। और आज और अभी मैं दुमका में मौजूद हूँ, तो दुमका का सियासी तपिश क्या है उसे मैं समझाने की कोशिश जो वोटर हैं यहाँ के उनके माध्यम से करने की कोशिश करूँगा। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है दुमका के लिहाज से। अगर आप देखें तो आज प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम है दुमका एयरपोर्ट परिसर में। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद जो है वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा में तीनों लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे। दुमका से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की सीता सोरेन, उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा जो गोड्डा से प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे, वो मौजूद होंगे और राजमहल से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद होंगे। तो उस जो रैली है प्रधानमंत्री की, उस पर विपक्षियों की भी नज़र है और रैली के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलती है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले दुमका का जो सियासी तापमान है वो यहाँ के जो वोटर्स हैं वो क्या महसूस करते हैं उससे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये दुमका बस स्टैंड का इलाका है और इस इलाके की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ वोटर्स हैं, भाई साहब आप यहीं के हैं? अच्छा, वो सरकारी आदमी है, बसते हैं। देखिए कुछ लोग हैं, सुबह का वक्त है, नाश्ते का समय हो चुका है, लिहाजा लोगों की व्यवस्था है। कब से ये, कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ? चार साल से। क्या इस बार लग रहा है दुमका में, कैसा माहौल देख रहे हैं? अच्छा है सर। किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी जेएमएम, कौन जीत रहा है? बीजेपी। देखिए एक महिला है, आप सहयोगी हैं, इनके साथ ही हैं? मोदी सरकार। मन बना लिए है? मन बना लिए है, बहुत कुछ विकास किए है मोदी सरकार ने। हम लोग के पास तो पहचान भी नहीं था। अच्छा। पहचान भी, आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड दिलवाया, बहुत कुछ विकास किए है। दुमका में क्या क्या काम हो गया? बहुत अच्छा काम हुआ। जैसे बताइए दो काम। हर कुछ हुआ है, हम जैसे हमारे नजरिया से देख रहे तो बहुत कुछ हुआ है। मकान उकान मिल गया आप लोग को? मकान नहीं, मकान अभी तो नहीं मिला। चलिए, तो लोग जो हैं वो मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज से प्रभावित हैं, उनको लगता है कि 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। आप बताइए, आप सुबह सुबह कितने बजे पहुंच जाती हैं दुकान? सुबह सुबह 5 बजे। 5 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है? हाँ, 3 बजे सुबह से तैयारी शुरू होती है, 5 बजे से खुल जाती है। और कितने देर तक चलता है ये दुकान? 12-1 बजे तक, जब तक सामान रहता है तब तक। वोट करते हैं आप लोग जाके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस बार कैसा लग रहा है दुमका, कैसा माहौल है? ठीक ही ठाक है। एक तरफ गुरुजी की बहू है, दूसरी तरफ नलिन सोरेन है, देखिए क्या कौन जीतता है तो हम बता नहीं सकते है ना। देखिए इस बार के अभी तक जो वोट कास्ट हुए हैं, 3 चरण झारखंड के हो चुके हैं, यह आखिरी चरण है और महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी हर बार देखने को मिली है। जो वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं कि बढ़ा हुआ है 60-65%, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं महिला वोटर्स जो निकल कर वोट करते रहे हैं उनकी वजह से हुआ है। कहाँ, कैसी हैं आप? हाँ ठीक है। वर्किंग है कहीं? हाँ यहीं पर आए हैं, मार्केट में। हाँ, दुमका की वोटर हैं? हाँ नहीं, हम शिकारी पड़ा के। हाँ हाँ, शिकारी पड़ा दुमका। हाँ हाँ हाँ, कैसा काम हुआ, 7 टर्म के वो विधायक रहे हैं वहाँ, तो शिकारी पाड़ा में काम वाम हुआ है? हाँ वो तो हुआ है। हाँ सांसद के लिए पार्टी ने खड़ा किया है। हाँ क्या लग रहा है? ठीक है लग रहा है। जी जाएंगे नलिन जी? हाँ शायद लग रहा है, अभी तो उतना कंफर्म तो नहीं बता पाएंगे ना, अभी तो दोनों में लड़ाई चल रहा है। हाँ तो लड़ाई तो होगा ना। किसके किसके बीच लड़ाई है यहाँ? यही बीजेपी के और इसके साथ नलिन जी के साथ। हाँ वो तो होगा ना, दोनों पार्टी है। हाँ तो वो तो कुछ तो रहेगा ही वैसे ही।
तो अभी देखिए कौन जीतेगा। तो देखिए वोटर्स को भी पता है कि इस बार लड़ाई जो है वो जबरदस्त है। एक तरफ सोरेन परिवार की बड़ी बहू है तो दूसरी तरफ नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वफादार सिपाही, गुरुजी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कैसी लड़ाई है इस बार दुमका में, क्या देख पा रहे हैं? लड़ाई तो मैंने बहुत जोरों से चल रहा है। हालांकि हम लोग तो सीता सोरेन के कैंडिडेट हैं, हम लोग प्रधान में से हम लोग हैं। अच्छा। पूरा जोरदार लगाए हुए हैं, सिकरपुरा अंचल के रहने वाले हैं। अच्छा। काड़ीपाड़ा में नलिन सोरेन ने कैसा काम किया, सात बार के विधायक? हाँ काम किया, काम तो बहुत बार शुरू से बनते या सरकार, लेकिन गिनने लायक तो कम नहीं किया है ना। अब वो बोल करके गुमराह कर रहा है। तो इस बार सांसद के लिए खड़े हैं वो? हाँ सांसद के लिए खड़े हैं, खड़ा होने दीजिए, खड़ा के लिए तो मौलिक अधिकार है, कोई भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई मतलब फॉरबिडन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी सरकार को ही हम लोग उम्मीद जगह हुए हैं। आप बताइए भाई साहब क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? ठीक है भाई साहब, ठीक है। क्या इस बार दुमका बोल रहा है? इस बार तो वही है भाई, जो है क्या बताइए, कमल खिलेगा हम लोग का इस बार। अच्छा वोट संथाल की तीनों सीटों पर कमल खिल जाएगा? एकदम 100% खिलना है भाई साहब। इस बार तो देखिए हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी का ही इधर बोलवाला है, अदर का नहीं है। तो आप लोग कैंडिडेट देखते हैं या फिर मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी के 10 साल के कामकाज को देखते हैं? नहीं, हम लोग मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी का कामकाज को, ये हम लोग यहाँ कैंडिडेट नहीं देखते हैं। कैंडिडेट कौन है पार्टी से वो मतलब नहीं है? मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी को देखकर ही वोट करते हैं। हाँ हम लोग सिर्फ मोदी जी को देखते ही वोट करते हैं। मोदी जी के 10 साल के कामकाज को देखकर ही वोट है, कैंडिडेट बहुत मैटर नहीं करता है, क्या वाकई यही स्थिति है, कैंडिडेट मैटर नहीं करता है, मोदी जी का कामकाज उसको देखना है? मोदी जी का काम देखना है, मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। तो दुमका क्या बोल रहा है इस बार? दुमका देखिए, दुमका कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है मोदी, जो बोलेगा मोदी वही होगा मोदी। दुमका तो बोलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, नवासी से लेकर लगातार क्या होगा, काम नहीं है, खाली भ्रष्टाचारी है, करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है, मार्केट में जान नहीं है, दुकानदार धीरे धीरे मरते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, बहुत समस्या, एक समस्या रहे तब ना। और उनका क्या स्थानीय जो आपके विधायक है उनका कामकाज कैसा है? उनका विधायक कोई काम ही नहीं है, कुछ नजर ही नहीं है। हाईकोर्ट कब तक बनने वाला था, अभी बहुत पहले बन जाना चाहिए था, पुराना मामला है अभी तक लटका हुआ, लेकिन बनना चाहिए ना, तो मार्केट में विकास कहाँ से होगा, इससे अच्छा तो गोड्डा है जो बहुत सारा काम हो रहा है। संथाल में गोड्डा सबसे आप मानते कि रिच है? गोड्डा है सबसे टॉप में, गोड्डा है, उसके बाद दुमका का तो कोई गिनती ही नहीं है, सिर्फ उपराजधानी नाम का है। देखिए आइए बाबा, देखिए निशिकांत जी की तारीफ हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि गोड्डा में विकास हुआ, दुमका में विकास नहीं हुआ, राजमहल में विकास नहीं हुआ, गोड्डा ठीक है? गोड्डा बहुत सुंदर है, हाँ वहाँ का सांसद जो है बहुत सुंदर आदमी है, बहुत विकास किए हैं, जाल बिछा दिए हैं, ऐसा विकास किए हैं। हाँ दुमका में भी आप लोग गोड्डा जैसा विकास चाहते हैं? चाहते हैं, बस मोदी का सरकार बने, विकास हो। इस पर क्या है लग रहा है, कैसी लड़ाई है? जेएमएम बोलता है कि हमारा गढ़ है, नलिन सोरेन उनका प्रत्याशी, दूसरी तरफ गुरु जी की बड़ी बहू सीता सोरेन मैदान में है, तो वोटर जो है आदमी का काफी, हाँ टक्कर है, अब जो निकल जाए, मगर जो हैवी वोट से नहीं निकलेगा, नहीं 4,000-5,000 के अंतर में जो निकले। आप कह रहे कि मार्जिन बहुत छोटा होगा? मार्जिन छोटा होगा, ये बात एकदम, मार्जिन बहुत छोटा होगा, उम्मीद रखिए सोरेन में, बारेन सीता सोरेन को। तो देखिए लोगों के अपने अपने नज़रिया है, लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, और 1 तारीख को वोट डाले जाने हैं, अभी 2-3 दिनों का वक्त है, लगातार प्रचार प्रसार का जो शोर है वो तेज़ है यहाँ। बड़े नेताओं की एंट्री ने आप कह सकते हैं कि यहाँ के चुनावी तपिश को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप एक न्यूज़ 11 के साथ आप जुड़े रहिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।